M25 कंक्रीट की मिक्स डिजाइन, वो भी ऑटोमेटिक और सिंगल क्लिक में, मतलब एक एक क्लिक में किसी भी एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिक्स डिजाइन ऑटोमेटिकली एक्सेस यदि होती है बिना किसी आपको प्रोग्राम को परचेस किए हुए, तो ये भी एक कमाल की बात होने वाली है। देखते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। मिक्स डिजाइन एज पर IS कोड 456.10.262 के हिसाब से मिक्स डिजाइन देखेंगे, और फॉर एनी एक्सपोजर कंडीशन, यानी पांचों एक्सपोजर कंडीशन में से जो भी आप एक्सपोजर कंडीशन देंगे वो मिक्स डिजाइन ऑटोमेटिकली उसी के एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से होके आपको मिलने वाली है, और एज पर कोड भी मिलने वाली है। और एनी स्लम्प एंड प्लास्टिसाइजर, यानी आप जो भी प्लास्टिसाइजर एंटर करेंगे कि मैं ये वाला प्लास्टिसाइजर यूज कर रहा हूं और ये वाला स्लम्प मैं यूज कर रहा हूं, उसके हिसाब से ये अपने आप मिक्स डिजाइन होने वाली है और रिजल्ट अपने आप चेंज होते जाएंगे। इसी तरह से आपको एक एक्सेल शीट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, जिससे आप इस पूरे प्रोग्राम को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि आपको जो भी वीडियो मिलेंगे वो अधिकतर PPT में मिलेंगे, जिसमें आपको एक्सेल शीट को डाउनलोड करके और किसी भी एक्सपोजर कंडीशन में मिक्स डिजाइन करने के लिए ये सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर आपको ना ही ऑटोमेटिक एक्सेल प्रोग्राम मिलने वाला है, साथ में आपको कंप्लीट मिक्स डिजाइन M25 या किसी भी ग्रेड की आप किसी भी एक्सपोजर कंडीशन के लिए, किसी भी स्लम्प या प्लास्टिसाइजर के लिए मिक्स डिजाइन कर सकते हैं। और ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है, लेकिन इसको समझने के लिए और सीखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो CCEA में, सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। अब हम चलते हैं एक्सेल फाइल की तरफ और देखते हैं कि वीडियो में आउटपुट डेटा मिलेगा वो इस तरह से रहेगा, जिसमें समरी आप मिक्स रहेगी कि ग्रेड आप कंक्रीट हम कौन सी यूज़ करने वाले हैं, सीमेंट, फ्लाई ऐश, वाटर, केमिकल एडमिक्सचर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और इसका टोटल, और मास फॉर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए हमें ये मिलने वाला है इन केजीज। ये हमारा आउटपुट इस तरह से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फर्क कहाँ रहेगा? इन केस यदि हम ऐसी एक्सपोजर कंडीशन डालते हैं जिसमें M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अलाउड ही नहीं है, M30 या M35 कम से कम होनी चाहिए, तो ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली उसको M25 यदि आप इनपुट देंगे भी और एक्सपोजर कंडीशन ऐसी दे देंगे जिसमें ये M25 अलाउड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट में ये M25 को चेंज करके M30 या M35 या M40, जो भी ग्रेड आप कंक्रीट रिक्वायर्ड होगी एज पर IS कोड एक्सपोजर कंडीशन, उस हिसाब से चेंज कर देगा। इसी तरह से सीमेंट की क्वांटिटी भी, मिनिमम सीमेंट की क्वांटिटी जो भी एक्सपोजर कंडीशन एज पर IS कोड में रिकमेंडेड है उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको सिर्फ इनपुट डेटा देने हैं अपनी रिक्वायरमेंट के और अपने मटेरियल के। क्या क्या इनपुट डेटा देना है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ जो कर रहे हैं ग्रेड डेजिग्नेशन, हम M25 के लिए हमने डिजाइन कर रहे हैं, तो M25 लिख दीजिए यहाँ पे, जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है आपको, M25 ही लिखना है, ओनली 25 लिखने से ये नहीं लेगा। टाइप ऑफ कॉन्क्रीट हम OPC 53 ग्रेड ले रहे हैं, आप चाहें तो OPC 43 ग्रेड भी ले सकते हैं। टाइप ऑफ मिनरल एडमिक्सचर हमारा फ्लाई ऐश है, जो कन्फर्मिंग टू IS 3812 पार्ट 1 है, पार्ट 2 वाला हम यूज़ नहीं करते हैं फ्लाई ऐश, ध्यान रखना। परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश टू बी एडेड, हम 30% ऐड करने वाले हैं इसमें, इसकी लिमिट नॉर्मली 15-35% होती है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हम क्या करेंगे, ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश का ये इसमें किस तरह से कंसिडर किया है हमने इस प्रोग्राम में, हम आपको यहाँ लिखा हुआ है कि यदि हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है तो 35%, M25 है तो 30%, M30 है तो 30%, 35 में 25%, M40 होगा तो 25%, और 45 में 20%, 50 में 20% और 55 में 15%। यदि इसमें इसके अलावा आप और कुछ परसेंटेज आप फ्लाई ऐश लेते हैं तो इनपुट डेटा में यहाँ चेंज कर सकते हैं कि इस ग्रेड के लिए मैं इतनी लूँगा।
मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट हमने 20 mm पकड़ा है, 20 mm मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए हम डिजाइन करने वाले हैं। गिवन एक्सपोजर कंडीशन यहाँ मॉडरेट है, आउट ऑफ टोटल 5 कंडीशंस एज पर आईएस कोड। यदि आप मॉडरेट को माइल्ड कर देंगे तो रिजल्ट चेंज हो सकते हैं, यदि आप मॉडरेट को सीवियर कर देंगे तो रिजल्ट चेंज हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एज पर आईएस कोड रहेगा। वर्केबिलिटी यानी स्लम्प रिक्वायर्ड है, 175 mm का स्लम्प चाहिए है, क्योंकि मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग पंपिंग के लिए हमें 175 mm का स्लम्प की जरूरत है। डिग्री ऑफ सुपरविजन गुड है। टाइप ऑफ एग्रीगेट है क्रस्ट एंगुलर एग्रीगेट है हमारा, और मैक्सिमम जो सीमेंट कंटेंट है वो है 450 kg पर क्यूबिक मीटर, आईएस कोड में ये दिया हुआ है। केमिकल एडमिक्सचर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो प्लास्टिसाइजर यूज़ कर रहे हैं, जिसका रिडक्शन दिया है कि 20% रिडक्शन ये वाटर कंटेंट में करता है। हमने प्रैक्टिकली रिडक्शन इसको जो भी उसमें रिकमेंडेड होगा उससे 5% कम लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो रिकमेंडेड होता है उससे नॉर्मली हमें वाटर रिडक्शन कम मिलने के चांस रहते हैं, इसलिए हमने उसको 5% कम किया हुआ है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और परसेंटेज रिडक्शन इन वाटर कंटेंट हमने इस तरह से लिया हुआ है इस प्रोग्राम में कि M20 होगा तो 20%, 25 होगा तो 20%, M30 यानी 20% हमने कहाँ तक ले गया है, M35 तक, और M40 एंड से लेके M55 तक हमने 30% रिडक्शन लिया है। यदि आपके पास एडमिक्सचर या प्लास्टिसाइजर अलग है जो इसके अलावा देता है तो आप उसमें ये वैल्यूज एंटर कर दीजिए, इनपुट डेटा ये वैल्यू आप इनपुट करके ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं करना है, वैल्यूज चेंज करना है। डोजेज ऑफ केमिकल एडमिक्सचर हमने 1% पकड़ा है, आपका जो केमिकल सप्लायर है वो यदि 1% के अलावा और कुछ रिकमेंड करता है तो आप वो एंटर कर दीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.15 नॉर्मली होता ही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लाई एस हमने 2.2 लिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट 2.72 और फाइन एग्रीगेट की भी 2.72 लिया है। आपको या तो लैब से इसके अलावा कोई दूसरा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो इनको वैल्यूज़ को आप ये इनपुट डेटा है आप चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने एडमिक्सचर 1.15 लिया है। वाटर एब्जॉर्प्शन हमारे पास जो कोर्स एग्रीगेट है उसका 0.6% है और फाइन एग्रीगेट का 1.3% है। कोर्स एग्रीगेट वेल ग्रेडेड है और जोन ऑफ सैंड है 2। आप चाहें तो जोन ऑफ सैंड यहाँ 1 भी रख सकते हैं, आपके पास जो भी सैंड होगी, क्योंकि आप जब सीवी एनालिसिस करेंगे लैब से तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपके पास जो सैंड है उसका कौन सा जोन है। फ्री मॉइस्चर कोर्स एग्रीगेट का 0% है और फाइन एग्रीगेट का भी 0% है। हमने SSD कंडीशन में ये डिजाइन कर रहे हैं। यदि आपका मॉइस्चर कंटेंट इससे अलग है तो वो अलग से वीडियो है जिसमें विथ मॉइस्चर कंटेंट, जैसे आप मॉइस्चर कंटेंट पकड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मॉइस्चर करेक्शन के साथ ही आपको मिक्स डिजाइन देता है। फ्री मॉइस्चर दोनों में कोर्स और फाइन में हमने 0-0 लिया है। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट 20 mm हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। कोर्स एग्रीगेट क्या का है, 20 और 10 mm का मिक्स है। 20 mm 60% है और 40% है 10 mm। ये सारे के सारे हमारे इनपुट डेटा हो गए। आपको कुछ नहीं करना है, इनपुट डेटा देने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट ऊपर के आउटपुट डेटा में मिलने वाले हैं। डिटेल कैलकुलेशन देखते हैं, आपको पूरा समझना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप 1 है जिसमें हम टारगेट स्ट्रेंथ निकालना है। टारगेट स्ट्रेंथ निकालने के पहले हम क्या करेंगे, चेक मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड एज पर आईएस कोड। आईएस कोड ने बोला है कि यदि ये एक्सपोजर कंडीशन है तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये होगी। तो यदि माइल्ड है तो M20 होगी, मॉडरेट है M25, सीवियर में M30, वेरी सीवियर में M35 और एक्सट्रीम कंडीशन है तो M40। ये कोड ने दे रखी है, हमने यहाँ कॉपी की है, प्रोग्राम अपने आप इसमें से उठा लेता है, आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरह से प्रोग्राम ने उठा के ये फॉर गिवन एक्सपोजर कंडीशन मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 उसने ले लिया है। ये टेबल 5 आप IS 456 में दिए हुए हैं। चेक वेदर ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिजाइन इज ग्रेटर आर इक्वल टू रिक्वायर्ड ग्रेड एज पर IS कोड। इसने मैच किया कि मॉडरेट कंडीशन के लिए M25 ही चाहिए है तो इसने M25 को रखा। यदि आप सीवियर डालते तो ये अपने आप M30 कर देता। आपका M25 के लिए आप डिजाइन जरूर कर रहे हैं लेकिन चूंकि आपने सीवियर कंडीशन ऑफ एक्सपोजर दिया तो आप M30 कर देता है अपने आप ही। इसी तरह से फर्स्ट फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एस,
स्टैंडर्ड डेविएशन एस टेबल वन आप IS 456 में से कैसे मिलेगा, ये टेबल दी हुई है कि M10 के लिए 3.5, M15 के लिए 3.5, M20 के लिए 4, 25 के लिए 4, 30 के लिए 5, बाकी सबके लिए 30 से लेके 55 तक 5 दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन एस फॉर ये इसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया कि 4 है हमारे गिवन मिक्स के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना है इसमें डिटेल कैलकुलेशन में। फाइंड टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स, एफ सी के डैश इज इक्वल टू टारगेट स्ट्रेंथ कितनी होती है, एफ सी के प्लस 1.65 ऑफ एस जो स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकाला, तो हमारा एफ सी के है M25 प्लस 1.65 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 31.6 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये टारगेट स्ट्रेंथ आ गई, इसके हिसाब से हमारे क्यूब टेस्ट किए जाएंगे टारगेट स्ट्रेंथ के हिसाब से। M25 के लिए हम 31.6 न्यूटन पर स्क्वायर mm की टारगेट स्ट्रेंथ रख के मिक्स को डिजाइन करेंगे। अब हमें स्टेप टू में क्या करना है, वाटर सीमेंट रेशियो कैलकुलेट करना है। वाटर सीमेंट रेशियो के लिए सबसे पहले मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो टेबल 5 आप IS 456 के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो ये डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर कि यदि एक्सपोजर कंडीशन ये है तो मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट वाटर कंटेंट कितना होगा, माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम 0.55, 0.5, 0.45, 0.45 एंड 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो दिया हुआ है कोड ने टेबल 5 में। हमारे प्रोग्राम ने अपने आप कैलकुलेट कर लिया कि हमारे मॉडरेट कंडीशन थी तो ये 0.5 ये उसने कैलकुलेट करके दे दिया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर रिड्यूस वाटर सीमेंट रेशियो, से जो भी वाटर सीमेंट रेशियो ये मैक्सिमम थी इससे 0.05 कम करके इसको हम कंसीडर कर रहे हैं अपने मिक्स डिजाइन के लिए। तो फाइंड वाटर क्वांटिटी, अब हम वाटर सीमेंट रेशियो हमने फिक्स कर लिया कि 0.45 है, इससे हमें स्टेप 3 में वाटर क्वांटिटी निकालना है। वाटर क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, टेबल 2 ऑफ IS 10262 से कोड क्या बोलता है कि यदि नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 10 mm, 20 mm, 40 mm है तो मैक्सिमम फ्री वाटर कंटेंट कितना होगा, 208 kg, 186 kg और 165 kg। ये कितने के लिए, ये वैल्यू है स्लम 25 से 50 mm तक के लिए। हमारा 20 mm एग्रीगेट है तो इसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया कि हमें 186 kg लगेगा, लेकिन हमें 50 mm स्लम तक के लिए है 186 kg। हमारा स्लम कितना है, हमारा स्लम्प है 175 mm, तो 50 mm तक के लिए तो जीरो इंक्रीज है और 75 mm के लिए 3%, हर 25 mm स्लम के लिए 3-3% ये इंक्रीज करता रहता है। हमारा 175 mm का है तो इसने कैलकुलेट कर लिया कि हमें 15% इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हमारा जो कैलकुलेशन आया था 186 उसमें 15% और जुड़ गया तो ये 213.9 kg हमारे पास पानी का रिक्वायरमेंट आ गया। वाटर सीमेंट रेशो 0.45 आया था स्टेप टू में, अब इसे स्टेप थ्री में हमारे पास आ गया है वाटर का कंटेंट 213.9 kg। लेकिन हमने क्या कहा था, रिडक्शन इन वाटर कंटेंट ड्यू टू सुपर प्लास्टिसाइजर 15% ये कम कर देंगे, इनपुट डेटा में हमने लिया था 20% ये करता है थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली हमने 15% पकड़ा तो 213.9 को 15% माइनस कर दिया तो कितना हो गया 181.82 kg। स्टेप फोर में बढ़ते हैं, हमारे पास पानी आ गया, जैसे ही पानी आया तो सीमेंट और फ्लाई ऐश का कंटेंट हमें इमीडिएटली मिल जाएगा। कैसे, वाटर सीमेंट रेशियो हमने पहले ऊपर निकाल दिया 0.45, तो सीमेंटेशियस मटेरियल कंटेंट कितना हो जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो वाटर को सीमेंट की रेशियो से डिवाइड कर दो, वाटर था हमारा 181.82 डिवाइड बाई 0.45 तो हमें मिल जाएगा 404.03 kg। 404.03 kg हमें सीमेंट लगने वाला है। अब हम चेक करेंगे कि 404.03 kg सीमेंट कोड ने जो एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से मिनिमम क्वांटिटी आप सीमेंट दी है क्या उससे कम तो नहीं है। एक्सपोजर कंडीशन ये है और माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, और मिनिमम सीमेंट कंटेंट कोड ने दिया है 300, 300, 320, 340, 360।
हमारा था मॉडरेट, मॉडरेट में 300 चाहिए था, हमारा आया 404.03 हैंड्स ओके। तो हमने, हमारे प्रोग्राम ने अपने आप इसमें से ढूंढ के ये 300 केजी निकाल लिया, क्योंकि मॉडरेट कंडीशन के लिए हमने डिजाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा चेक हो गया कि 404.03 हमारा ओके है। तो केमिकल एडमिक्सचर था 1%, तो इसका 1% 4.04 हो गया। फ्लाई एस कंटेंट हमने पकड़ा था 30%, तो फ्लाई एस इसका 30% इसने ये निकाल दिया, तो इसमें से फ्लाई एस निकल गया, तो हमारे पास सीमेंट बचा 282.82 केजी। तो एक्चुअल वाटर सीमेंट रेशो हमारा 0.45 हो गया। हमारे पास सब कुछ कैलकुलेट हो गया सिवाय एग्रीगेट के, पानी भी आ गया, फ्लाई एस भी आ गया, सीमेंट भी आ गया। अब एग्रीगेट और कैलकुलेट करना, एडमिक्सचर भी आ गया। एग्रीगेट को कैलकुलेट करने के लिए स्टेप 5 पे चलते हैं। स्टेप 5 क्या बोलता है, फ्रॉम टेबल 3 ऑफ आईएस कोड। टेबल 3 क्या बोलता है, ये जोन 1 के लिए और ये जोन 2 के लिए नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट के हिसाब से, कि मैक्स नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यदि 10 mm है और जोन 1 की सैंड आप यूज कर रहे हैं, तो कोर्स एग्रीगेट कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम का, 0.44। यदि जोन 2 की सैंड यूज कर रहे हैं तो 0.46। 20 mm यदि है तो जोन 1 की सैंड में आपका बढ़ जाएगा, कोर्स एग्रीगेट कितना होगा, 0.6। किस चीज का, टोटल एग्रीगेट का, टोटल जो एग्रीगेट है उसका 0.6 हो जाएगा। और जोन 2 की सैंड यदि आप यूज कर रहे हैं तो 0.62 रहेगा। 40 mm है तो 0.69 और 0.71 हो जाएगा। ये आपके पास वैल्यूज हैं, इसने अपने आप कैलकुलेट किया, क्योंकि हमने कोर्स एग्रीगेट की जो ये वैल्यूज हैं ये हैं 0.5 वाटर सीमेंट रेशो के लिए, जो कोड ने दे रखी हैं टेबल 3 में। हमारे प्रोग्राम ने 20 mm हमारा है मैक्सिमम न्यू नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट 20 mm, और इस, और हमारे पास जोन 2 की सैंड है, तो इसने ये 0.62 वैल्यू, 0.62 अपने आप निकाल के दे दी, प्रोग्राम ने अपने आप निकाल के दे दी, आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद करेक्शन इन कोर्स एग्रीगेट के वॉल्यूम में करने वाले हैं। ये जो 0.62 आई है ये है 0.5 वाटर सीमेंट रेशो के लिए, लेकिन कोड क्या बोलता है, माइनस प्लस 0.01 फॉर एवरी प्लस माइनस 0.05 चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो। ये क्या बोलता है कि यदि आपका वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता है तो आप इसको कम कर लीजिए, और यदि वाटर सीमेंट रेशियो कम होता है तो इसको आप बढ़ा लीजिए। तो हमारा तो वाटर सीमेंट रेशियो कम हो रहा है तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाएंगे, 0.05 वाटर सीमेंट रेशो कम होने पे 0.01 बढ़ाना है, तो यानी 1% बढ़ाना है। तो हमारा 0.62 था ये, इसमें 1% और जोड़ा तो 63% हो गया, 0.62 मीन्स 62%, तो ये 63% हमारा कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा। 0.63% कोर्स एग्रीगेट है, लेकिन कोड क्या बोलता है कि पंपेबल कंक्रीट बढ़ाना है, जिसको पंपिंग करना है। यदि आपको पंपिंग नहीं करना है तो ये ठीक है, लेकिन यदि पंपिंग करनी है तो कोर्स एग्रीगेट को हमें थोड़ा कम करना पड़ता है। कम करने के लिए कितना कम करना पड़ता है, 10% कोर्स रिकमेंड करता है, तो 10% हमने रिडक्शन किया 63% में, तो ये 0.567 यानी 56.7% आ गया। तो यदि ये 56.7% या 0.567 कोर्स एग्रीगेट आ गया तो फाइन एग्रीगेट अपने आप 0.433 आ गया। यानी हमारे पास मिक्स के सारे कैलकुलेशन वॉल्यूम में आ गए हैं। यानी अब हम क्या निकालेंगे, इस तरह से वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मिक्स कैलकुलेशन, वॉल्यूम एंड वेट्स हम यहाँ निकालने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना है हमारा, वेट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाई 1000, वेट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो सीमेंट का हमारा वेट जो था 282, उसको हम डिवाइड करेंगे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 से और डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 0.0898 क्यूबिक मीटर हमारा सीमेंट का वॉल्यूम आ गया। इसी तरह से फ्लाई एस की जो क्वांटिटी आई थी 121.21,
इसको इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम डिवाइड करेंगे जो 2.2 थी, और फिर से डिवाइड कर देंगे उसको 1000 से, तो हमारे पास इस फ्लाई एश की वॉल्यूम आ गया। वाटर तो उतना ही है, 181.8 केजी था तो उतना ही क्यूबिक मीटर हो गया, 0.1818 वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर ये 1% था तो 0.0035 हो गया। तो सब टोटल ये सारे वॉल्यूम्स को टोटल करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। तो एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम में से हमें एक में से सारे वॉल्यूम को घटा देंगे तो बाकी का वॉल्यूम बचेगा जो एग्रीगेट का वॉल्यूम है। तो ये एग्रीगेट्स हैं कितना हो गया, 0.6698, 0.3302 को एक में से 0.3302 घटाया तो 0.6698 हमें बचा ऑल इन एग्रीगेट। यानी ऑल इन एग्रीगेट का मतलब होता है इसके अंदर कोर्स भी है फाइन भी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना हो जाएगा, एफ यानी ये वाला फैक्टर एफ है ये, इनटू रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन मिक्स। तो रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमारे पास कितना था, रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट था ये 0.567। तो इस 0.567 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आपके ऑल इन एग्रीगेट 0.6698 मल्टीप्लाई बाई 0.567, तो आपके पास इतना आ जाएगा। और जो टोटल वॉल्यूम है ये 0.6698, इसमें फाइन एग्रीगेट के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी अब हम सारे वॉल्यूम्स को जोड़ दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक क्यूबिक मीटर का ये सारा टोटल हो जाएगा हमारा एक क्यूबिक मीटर। अब हम स्टेप 7 में देखते हैं कि समरी ऑफ मिक्स क्या रहा हमारा। समरी ऑफ मिक्स ये रहा कि सीमेंट 282.82 केजी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 ही रहा, फ्लाई एस 121.21, वाटर 181.82, केमिकल एडमिक्सचर 4.04, फाइन एग्रीगेट आपका 788.86 केजी, और कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा हमारा 1032.99 केजी। ये आ गया, क्योंकि मास आप कोर्स एग्रीगेट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इनटू आपका बल्क डेंसिटी सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वॉल्यूम है हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.72 जो था, तो इस वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से मास ऑफ फाइन एग्रीगेट भी इस वॉल्यूम को इसकी 2.72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये इसका केजी आ गया। इसके पहले हमारे पास केजी बाकी के थे ही ऊपर, तो ये हमारा फाइनल समरी ऑफ मिक्स आ गया ट्रायल मिक्स के लिए। इसके बेसिस पे हम मिक्स डिजाइन करके ट्रायल मिक्स चालू कर सकते हैं। और यदि हम परसेंटेज देखें कि कौन सा कितना परसेंट है, तो सीमेंट 12% है बाई वेट, फ्लाई एस 5% है, वाटर 8% है, केमिकल मिक्सचर इसको 0 दिया हुआ है लेकिन ये बहुत थोड़ा परसेंट है, ठीक है। और फाइन एग्रीगेट आपका 33% है और कोर्स एग्रीगेट आपका 43%। इस तरह से 100% आपका बाई वेट हो गया। तो ये था आपका ऑटोमेटिकली सिंगल क्लिक में M25 या किसी भी ग्रेड आप कंक्रीट की मिक्स डिजाइन फॉर एनी एक्सपोजर कंडीशन, फॉर एनी साइज ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, फॉर एनी जोन ऑफ द वेदर जोन 1 और जोन 2, क्योंकि जोन 3 और 4 तो हम नॉर्मली यूज करते नहीं हैं कंक्रीट की मिक्स डिजाइन में। तो ये किसी भी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली बिना किसी फार्मूला लगाए हुए, आपको सिर्फ इनपुट देना है और आपको आउटपुट ऑटोमेटिकली मिलने वाला है। इस एक्सेल फाइल की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसमें आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें, समझें, और यदि आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।